खून खून हराम है, सुअर का गोश्त और गरेला के नाम से मंसूब किया हुआ, तो यहाँ खून हराम है, तो क्या उस को जब काट रहे हैं हम उस चिकन को, क्या उसमें से पूरा खून ड्रेन हो रहा है क्या? हम क्यों उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं? हमको हमारे ऊपर खून हराम है, हम काटते जा रहे हैं एक डब्बे में डालते रहे, काटते जा रहे हैं एक डब्बे, ना उन्हें जो है हाथ पर चला सकती है, ना उस ना उन्हें हाथ पर खून निकाल सकती है उन्हें, जब खून अंदर रह जाएगा उसके, तो क्या वो खून हलाल है क्या हमारे पास? हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान ये कहता है कि जो है खून हराम है, तो हम उसको कैसे अवॉइड करेंगे? क्या हम एक ही मुर्गी को पकड़ के क्या उसका खून निकालेंगे क्या? हाँ, किसी ज़माने में जो है जो हमारी देसी मुर्गी होती है उसको काटने के बाद उसको जो है हलाल करने के बाद में भी जो है वो उड़ती थी, उचकती थी, कूदती थी, जो है उन्हें पूरा खून पूरा जिस्म से निकालती थी। ये मुर्गी में वो ताकत ही नहीं है खून निकालने की। ये मुर्गी तो बेदम मुर्गी है बिल्कुल। आप उसको काटने के बाद में उसमें से आप जो है उसको काटे और डब्बे में डाल दिए, काटे एक बैरल में डाल दिए, तो उसको आप मौके नहीं दे रहे उसको फटकने का या उसको हाथ पर हिलाने का, तो उसके अंदर का खून निकलेगा कैसा? और अगर आपको अगर टेस्ट करना है तो आप जो है जो मुर्गी बनाई जा रही है उसको आप थोड़ा धो लो, एक पीस को धो लो, आप एक टांग को धो लो, धोले के जो है उसको पलटा के खोल के देखो उसके अंदर जो रगा है उसमें खून है या नहीं है, आप खुद टेस्ट करो, आपको अंदाजा होता सवाल है। खून जब हराम है तो हम खून जब खाएंगे तो हम अल्लाह की एक शरीयत से जो है हम नाता तोड़ लें, हम जो अल्लाह के अहकाम है उस अहकाम को हम जो है तोड़ लें। हमको ये चाहिए कि भाई उसके अंदर का खून निकला या नहीं निकला। हर साल जो है हम जो कुर्बानी देते हैं तो जब बकरा काटते हैं तो हम ख़ास तौर से जो है खस साहब को बोलते हैं कि भाई आप उसको काटने के बाद में फौरी उसकी मुट्ठी मत तोड़ो, उसके एक मिनट दो मिनट के बाद में जब उन्हें जो है हाथ पैर मारना शुरू करता तो उन्हें जिस्म से पूरा खून निकालता उन्हें, फिर आप उस बकरे के गोश्त में आप देखो जो है पूरा चीर के देखो क्या उसमें कहीं खून मिलेगा क्या? आपको नहीं मिलेगा। तो हाँ, किसी हिस्से पे अगर कहीं मार लगा हुआ है तो वहाँ पे अगर खून अगर मुंजमित हो गया है तो या तो सीधा सीधा आप उस मुर्गी में जो है आप पूरे उसके पैरों में जो है खून रहता है उसके, तो आप क्यों हम क्यों गौर नहीं कर रहे उसके ऊपर? हम क्यों तवज्जो हलाल जब वो चीज़ जो है जब हराम हमारे जिस्म में जाएंगी तो सोचिए कि जो है हमारे मुसलमानियत के ऊपर क्या सवाल होगा। मुसलमान के माने ये नहीं है कि जो है आप नाम रख लिए मुसलमान के लिए जो है अल्लाह की एक एक बात के ऊपर अमल करना है हमारे को।